जल्दी। The number you have called is currently out of coverage area. Please try again later. कार्तिक का फोन क्यों नहीं लग? कहाँ है कार्तिक? बोलने की सिग्नल नहीं मिलेगा, अब सच हो गया ना। इट्स ओके सीरत मम्मा, कुछ भी नहीं होगा आपको। जब वो सिग्नल में आएंगे ना, तो उनको हमारे मिस कॉल के अलर्ट्स आ जाएंगे, डोंट वरी। पता है तो मैं कर। मैंने दादी को फोन कर दो, एक मिनट। हे भगवान, ताई जी, आज के दिन तो यहाँ बहुत भीड़ होती है। अरे हाँ, सब अपने अपने फोन ना बैग में रख दो। पिछली बार का याद है ना, हमारे हाथ से छीन के लेके गया था कोई फोन। हाँ माँ जी, आजकल तो ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। इतने सारे भक्तों में ना एक दो चोर तो ऐसे घुस ही आते हैं। हाँ हाँ, मैंने तो अभी 3-4 दिन पहले ही मोबाइल लिया है, मैं रख लेती हूँ। माँ जी आपका भी दीजिए। दीदी आप भी अपने पर्स में रख लो। हाँ चलो जल्दी चलते हैं, मंदिर की घंटियां बज रही है, मतलब आरती शुरू होने वाली है। चलो चलो। कोई भी नहीं उठा रहा, फोन क्यों नहीं उठा रहा? शायद मंदिर में ना कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए। लो अब आराम से फोन दो, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। फोन दो। पर डॉक्टर बाबा तो टाउन में ही नहीं है, उन्होंने डॉक्टर सीमा का नंबर दिया था। सीमा डॉक्टर से। आ आ भी क्या कर रहा हूँ ये? मैंने ना एक मूवी में देखा था। हाँ सीरत। डॉक्टर डॉक्टर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ, तुमने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खाया था? नहीं, वैसा दर्द नहीं है, ये बहुत अलग दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। और शायद मुझे लगता है बेबी आने वाला है। लेकिन अभी तो डिलीवरी में टाइम है। अभी 2 दिन पहले ही तो तुम आई थी ना डॉक्टर विभा से मिलने। मैंने रिपोर्ट्स भी चेक की थी, ऐसे तो कोई आसार नहीं नजर आ रहे थे। मुझे नहीं पता डॉक्टर, पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा तुम घबराओ मत सीरत, ऐसा करो तुम हॉस्पिटल आ जाओ। मैं हॉस्पिटल नहीं आ सकती, आप प्लीज यहाँ जाइए चेक करने, प्लीज किसी को भेज दीजिए प्लीज। मैं मेरे घर में अभी सिर्फ मैं और मेरे बच्चे हैं। सीरत देखो मैं आ तो जाऊँ, लेकिन देखो अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हुई यहाँ पर हॉस्पिटल में सारी की सारी फैसिलिटीज हैं, तो हम हैंडल कर पाएंगे। क्या पता अगर तुम सच में लेबर पेन में हो। ठीक है मैं अभी आती हूँ, मैं अभी हमें जाना होगा हॉस्पिटल। घर सिर्फ पर हम हॉस्पिटल कैसे जाएंगे? घर में तो पापा भी नहीं है, कार भी नहीं है और ड्राइवर अंकल भी नहीं है, कैसे जाएंगे हम हॉस्पिटल? पता नहीं लेकिन हमें हॉस्पिटल जाना होगा। मेरी सिस्टर को कुछ होगा तो नहीं सीरम मम्मा? नहीं कह रहा कुछ नहीं होगा, आप डरो मत, कुछ नहीं होगा आपकी सिस्टर को। मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है सीरत मम्मा, कौन ने ऐसा क्यों किया? आपको अभी क्यों पेन हुआ? कोई भी फोन नहीं उठा रहा। मैंने पापा से प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपका ख्याल रखूंगा, तो शायद मुझसे नहीं होगा। मैं बैड बॉय हूँ क्या सीरत मम्मा? नहीं कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत गुड बॉय हो। बस इस वक्त हालात हमारे साथ नहीं है, पर आप टेंशन मत लो कह रहे, सब ठीक हो जाएगा। हमें बस बस हिम्मत से काम करना होगा। हमें अगर हिम्मत से काम नहीं लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए शांत हो जाओ। आप ही घबराओ मत, ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या करना है। मुझे ना अपनी मम्मी और सिस्टर की हेल्प करनी है। मेरे पापा से प्रॉमिस भी किया था कि मैं उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा, और वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं था, वो हमेशा के लिए। अब बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता सीरत मम्मा? ये तुम्हारा बैग है, डिलीवरी के वक्त इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें, इमरजेंसी के लिए रेडी होना चाहिए हमें। वो पिंक बैग, राजा आप जल्दी से मेरे रूम में जाओ, वहाँ पे पापा ने जो वो पिंक बैग बनाया था ना, वो उसे लेके आओ, और मेरी डॉक्टर के रिपोर्ट जो ड्रॉअर में रखी है वो ऊपर वाले उन्हें भी लेके।
भी है। अरे अरे मिला बैग। हाँ सीरत मम्मा मुझे बैग मिली, मैं आ रहा हूँ। जल्दी कर कर, अब टाइम नहीं है हमारे पास। पापा काम से जा रहे हैं, इसलिए मम्मा का, अक्षु का, आने वाली बेबी का, सबका ख्याल आपको रखना है। बैग मुझे तो इस तरफ से नहीं 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 बैग भारी होगा। नहीं 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 बिल्कुल नहीं लानी, आप चलो चलो आराम से अक्षु, आराम से चलो अक्षु करे, मैं अक्षु को लेता हूँ। भी कोई ऑटो या टैक्सी आसपास दिख नहीं रही है कायरा। मैं ना के जाके ट्राई कर तो सीट मुझे मिल जाएगा। नहीं नहीं कायरा, आप ज्यादा दूर मत जाओ, आप यहीं रहो। दूर मेरी सीट में मैं ध्यान रखूंगा। भैया भैया रुको प्लीज रुको। कृष्णा जी प्लीज, मेरे मम्मा और मेरी सिस्टर के लिए गाड़ी मंगवा दो प्लीज। हमारे घर की कार अभी शायद दादी आ गई। आप यहाँ पे रोड पे ऐसे क्यों खड़ी हैं? माँ दादी सब कहाँ है? वो मंदिर में है, उनको ज्यादा टाइम लगेगा आने के लिए, इसलिए मुझे वापस भेज दिया। आप प्लीज हमें हमें जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलिए प्लीज। अक्षु अक्षु हे भगवान, अक्षु की दूध की बॉटल जल्दी जल्दी बना रही हूँ। भैया भैया प्लीज गाड़ी घर की तरफ घुमाइए, अक्षु की दूध की बॉटल लेके आनी है। नहीं सीरियस मम्मा, अभी हम वापस घर नहीं जाते। मैं अक्षु को बिस्किट खिला दूंगा, उसको अच्छे लगते हैं। बेबी फूड तो मिल जाएगा ना? हाँ बेबी फूड तो मिल जाएगा। ड्राइवर अंकल अपने हॉस्पिटल ले चलो और प्लीज थोड़ा तेज चलो प्लीज। सॉरी अक्षु, मम्मा मम्मा को पेन में याद ही नहीं रहा, आपका खाना नहीं लिया, कुछ सूझा ही नहीं पेन में। I'm so sorry. आप ना थोड़ा सा वेट करो, बस हॉस्पिटल पहुंचते ही ना सबसे पहले मम्मा आपको कुछ खिलाएगी। अक्षु आप प्लीज मत रो, आप देख रहे हो ना मम्मा को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। लगता है हमारी छोटी सिस्टर आने वाली है और अब तो बिग सिस्टर बनने वाले अक्षु, और बिग सिस्टर छोटे बेबी की केयर करते हैं ना, रोते थोड़ी ना। जैसे आप मुझे देख रहे हो भैया रो थोड़ी ना रहा, इसे आप भी मत रो प्लीज। अक्षु मेरी प्यारी सी गुड़िया, भैया ने एक बार बोला और आप मान गए। अक्षु ना गुड गर्ल है। गुड नहीं, बहुत गुड गर्ल है आप, अभी से ही बड़ी बहन बन गई है और समझदार भी, अपने बड़े भैया की तरह मम्मा की तकलीफ को समझती है। मेरी प्यारी सी अक्षु, करो करो पापा को फोन ट्राई करो भी। अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है, मैंने जाजू को ट्राई करता हूँ, वो उठा लेंगे।
थोड़ा सा वेट कर लो, अभी तो आपके आने का टाइम भी नहीं हुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है आपके लिए बेबी, मुझे बहुत डर लग रहा है। सीरियस मम्मा, आप बिल्कुल भी मत डरो, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूँ ना आपके साथ। जब मुझे स्ट्रेस होता था ना, तब मम्मा ने मुझे ये सिखाया था। ब्रीथिन, कुछ नहीं होगा सीरियस मम्मा, आराम से। क्या हुआ भैया? टायर पंचर और स्टेपनी भी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? हॉस्पिटल ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से कायरा, वो आगे वाली चुका लिया है ना, वहाँ से एक शॉर्टकट है, मुझे पता है, हम पैदल पैदल पहुँचेंगे। इस हालत में आप कैसे चल के जाएंगी? नहीं नहीं, आप रुकिए, मैं कुछ इंतजाम करके आता हूँ। हो जाएगा, आने वाली है मेरी छोटी सिस्टर जो कि बहुत ज्यादा स्वीट, और उसको हम करेंगे बहुत ज्यादा प्यार और रखेंगे उसको दुलार, पर उसका फेवरेट है उसका भाई, और दोनों करेंगे गंदे लोगों की पिटाई। छोटू बेबी, आप ना थोड़ा सा वेट कर लो, एक बार हम हॉस्पिटल आ जाएंगे ना, तब आप बाहर आ जाओ प्लीज। मुझे चक्कर आ रहे हैं, बहुत पेन हो रहा है। बहुत बेहतरीन आइडिया आपका, ब्रिलियंट। फोन में नेटवर्क ही नहीं है, कब से घर पे बात नहीं हुई, एक बार बाहर जाकर सीरत को कॉल कर लेता। मिस्टर कार्तिक, आई रियली लाइक द आइडिया, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी जी, पूछिए ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।